हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? आज आए बिल्कुल लेटेस्ट न्यू वीडियो के साथ में। मैं आपका एलईडी टीवी गुरु, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम फिर एक बार एक नया मोबाइल कनेक्ट करने वाले हैं अपनी एलईडी टीवी से। और जो हम मोबाइल लेके आए बिल्कुल लेटेस्ट न्यू मोबाइल है, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। और इसके बारे में बताने से पहले मैं बता देता हूँ, ये रेडमी का K50i है। फिर बता देता हूँ, रेडमी का K50i मोबाइल है जो कि रेडमी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और इसको कनेक्ट करेंगे हम अपनी स्मार्ट टीवी से और देखेंगे कि इस मोबाइल में वो कौन सा फंक्शन है जो कि आपको अपनी टीवी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब विदाउट कोई एनी वायर, विदाउट कोई ब्लूटूथ, विदाउट कोई वाईफाई के इंटरनेट के। हम इस मोबाइल की पिक्चर, सॉन्ग, MP3 सब कुछ लेंगे अपने स्मार्ट टीवी के अंदर। और जो आज हम टीवी जो कवर कर रहे हैं वो है सैमसंग का स्मार्ट एलईडी टीवी 4K टीवी की, जो कि सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किया है। सैमसंग 55BU 8000 टीवी है, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टीवी भी बिल्कुल लेटेस्ट है जो सैमसंग ने अभी 2022 में लॉन्च किया है। इसके मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई इस टीवी की। अगर आपको टीवी के बारे में जानना है तो आप प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और इसके वीडियो के बारे में, टीवी के बारे में देख सकते हो। अब करते हैं रेडमी K50 की भाई। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस मोबाइल में वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल वेरीफाई करा देता हूँ, उसके बाद भी हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन में आपके लिए पास लिखा देता हूँ। तो हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद इसको क्लिक करोगे तो सबसे पहले मोबाइल वेरीफाई कराऊंगा। अबाउट फोन में जाओगे तो ये देख लीजिए, यहाँ पे रेडमी K50i। ये जरूरी है कि जो मोबाइल में बता रहा हूँ कि वो है या कि नहीं है। तो रेडमी K50i है, ठीक है। अब बैक चल जाएंगे। बैक जाने के बाद में ऊपर स्क्रीन की तरफ आएंगे, ये आपके फंक्शन है जहां पे ब्लूटूथ और आपके ये स्क्रीन शॉट, टच, टॉर्च, ये सब कुछ दिया है। ये सेकंड स्लाइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्कैनर है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक कास्ट का। ये कास्ट का ऑप्शन ही है जो कि फंक्शन टीवी से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कास्ट को क्लिक करोगे, जैसे ही कास्ट को क्लिक करोगे, कास्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एग्री करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे परमिशन देनी है क्योंकि अभी ऐप मोबाइल नया है तो हमें अभी आप ऐप परमिशन नहीं दी है, ठीक है। तो सारी परमिशन हमको दे देनी है यहाँ पे अलाउ, उसके बाद लोकेशंस, उसके बाद माइक्रोफोन, उसके बाद नियर बाय डिवाइस, ठीक है, उसके बाद फोन। सारी लोकेशन में दे दी है यहाँ पे। इसके बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद वापस वहीं जाना होगा हमें कास्ट के ऊपर। कास्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्न ऑफ, हमें क्या है जब कास्ट क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आपको अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने में आपका नेट यूज नहीं होगा, सिर्फ ऑन करना है, ठीक है। तो ऑन जैसे ही करोगे तो ये आपका मॉडल नंबर सर्च कर देगा। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल लगे हुए तो सबका टीवी इन्होंने सर्च कर लिया है। हमें एक टीवी कनेक्ट करना है तो हमें करना है सैमसंग का BU 8000, ठीक है। तो ये आ गया सैमसंग का BU 8000 60 इंच, ये 55 लिखा है, 55 कनेक्ट करेंगे। इस मॉडल पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी क्या होगा, क्लिक करने के बाद में आपके स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा। ये देखिए, ये लिखा है रेडमी K50i, यू मस्ट ग्रांट परमिशन फॉर योर डिवाइस कनेक्टिविटी। तो हम इसको अलाउ कर देंगे। जैसे ही अलाउ करोगे तो आपका मोबाइल आपके टीवी से कनेक्ट हो जाएगा विदाउट इंटरनेट, विदाउट कोई वायर, विदाउट कोई एनी सपोर्ट के। कनेक्टिंग टू रेडमी K50i फर्स्ट टाइम है, थोड़ा टाइम लग सकता है, 10-15 मिनट सेकंड का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करने के बाद आपका टीवी कनेक्ट हो जाएगा। अब जो भी मोबाइल में चलाओगे वही आपको टीवी पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा मोबाइल आपका ऑपरेट हो रहा है एलईडी टीवी के ऊपर। अब इसका बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए आप कोई फंक्शन की वीडियो पिक्चर्स हैं और आप सब फैमिली साथ देखना चाहते हो तो आप मोबाइल में चला सकते हो, सारे बंदे एक टीवी में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब है, फेसबुक है, जो भी चलाना है आप मोबाइल चलाओगे, इसमें नेट आपका मोबाइल का यूज होगा और टीवी के अंदर आपको सारी चीजें दिखाई देगी।
अब इसका अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो सिंपल आपका मोबाइल का जो वाईफाई है वो आपको ऑफ कर देना है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।